नमस्कार सभी विद्यार्थियों का। आज हम वायुमंडल के संगठन बिंदु पर बात करने वाले हैं कि वायुमंडल का संगठन किस प्रकार हुआ है, किन किन तत्वों से मिलकर वायुमंडल बना है, इस पूरे बिंदु पर आज चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं कि वायुमंडल का संगठन, पहले बात करेंगे कि वायुमंडल क्या होता है। वायुमंडल क्या है? गैसों का एक ऐसा आवरण, गैसों का एक ऐसा आवरण जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के चारों ओर या पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, ये मान लीजिए अर्थ है, तो अर्थ के चारों ओर गैसों का एक ऐसा आवरण जो इसको घेरे हुए है वो क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। तो गैसों का एक ऐसा आवरण जो गुरुत्वाकर्षण से जुड़ा है वो वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल की सामान्यतः ऊंचाई 10,000 किलोमीटर मानी जाती है, यानी ये अर्थ का अगर सरफेस है, अर्थ के सरफेस से 10,000 किलोमीटर ऊपर तक वायुमंडल पाया जाता है, और परंतु मानव के लिए 800 किलोमीटर तक का ही वायुमंडल उपयोगी है, यानी 800 किलोमीटर तक का वायुमंडल हमारे लिए सामान्य तौर पर उपयोगी होता है। तो गैसों का एक ऐसा आवरण जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमारी धरती से जुड़ा हुआ है वायुमंडल कहलाता है। सामान्यतः ऊंचाई इसकी 10,000 किलोमीटर है, परंतु 800 किलोमीटर तक का वायुमंडल ही हमारे लिए उपयोगी है, यानी मानवीय दृष्टि से। अब कुछ डाटा वायुमंडल के बारे में ध्यान रखेंगे, पॉइंटों के रूप में ध्यान रखेंगे। वायुमंडल का 97% आयतन, वायुमंडल का 97% आयतन, यानी कुल आयतन का 97% भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलता है, यानी नीचे वायुमंडल सघन है, ऊपर जाने पर वायुमंडल में गैसें क्या होती जाती हैं? विरल होती जाती हैं। तो वायुमंडल के कुल आयतन का 97% भाग जो है वो 29 किलोमीटर तक मिलता है, जबकि 99% भाग जो है वो 33 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है, यानी 33 किलोमीटर से ऊपर वायुमंडल के कुल आयतन का 1% भाग ही पाया जाता है। तो दो बातें कि कुल आयतन का 97% 29 किलोमीटर तक, और 99% भाग जो है वो 33 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है वायुमंडल में। पहले ये बात ध्यान रखेंगे, हमसे क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। अब आगे, तो वायुमंडल क्या है, कितनी ऊंचाई है, कितना उपयोगी है, और आयतन में इसका कितने कितना भाग, कितने कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है। अगला बिंदु है वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल का संगठन तीन चीजों से मिलकर हुआ है। कितनी चीजों से? तीन चीजों से। तो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में पहली, वायुमंडल किन से बना है? गैसों से बना है। किससे बना है? गैसों से। दूसरा बिंदु है जल वाष्प, वाटर वेपर, और तीसरा है धूल कण, सोयल पार्टिकल। तीन चीजों से वायुमंडल का निर्माण हुआ है, पहला गैसें, दूसरा वायुमंडल में जल वाष्प, और तीसरा है धूल कण। कुछ सामान्य सामान्य बातें ही हमें ध्यान रखनी है, इससे बाहर बिंदु नहीं आएगा। वायुमंडल के संगठन में सबसे ज्यादा जो भाग है वो गैसों का है, यानी वायुमंडल में सर्वाधिक चीज क्या पाई जाती है संगठन में? गैसें पाई जाती हैं, फिर जलवाष्प, और फिर धूल कण। वायुमंडल के कुल भार का 99% भार जो है वो गैसों का है। पहली बात तो ये, वायुमंडल के कुल भार का
99% भार जो है वो गैसों से बना है, और इनमें भी दो चीजें प्रमुख हैं, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो है वो 78.08% और ऑक्सीजन जो है वो 20.94% भाग पर पाई जाती है वायुमंडल के कुल के। तो वायुमंडल के कुल 99% जो भार है वो दो गैसों का है, N2 और O2। अब इनका हम क्रम ध्यान रखेंगे गैसों का। ये जो हमसे महत्वपूर्ण बात पूछी जाती है कि गैसों का क्रम और इनकी मात्रा कितनी है, तो सर्वाधिक गैस पाई जाती है वायुमंडल में नाइट्रोजन, फिर पाई जाती है ऑक्सीजन, फिर आर्गन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड। पहले तो ये चार गैसें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल की पहली चार प्रमुख गैसें हैं। सर्वाधिक क्रम हम बढ़ते से घटते क्रम की ओर बात करेंगे। पहली गैस जो है वो 78 पॉइंट मैंने बात की 0.8%, ऑक्सीजन 20.94% है हमारे वायुमंडल में, आर्गन जो है 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.036%। पहले तो ये चार ध्यान रखेंगे, पहली चार कौन सी है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर परसेंटेज की बात कर रहा हूं, नाइट्रोजन 78.08, फिर ऑक्सीजन 20.94, फिर आर्गन 0.93 और कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% है हमारे वायुमंडल में। इसके बाद में है नियोन, फिर है हीलियम, नियोन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन। सूत्र ध्यान रखेंगे इसका, नी ही ओ है। इन चार गैसों को याद करने का सूत्र है नी ही ओ है, नियोन, हीलियम, ओजोन और हाइड्रोजन। इनकी मात्रा पर बात करते हैं, नियोन 0.018%, नियोन कितनी है 0.018%, फिर है हीलियम 0.205%, ओजोन 0.401%, और हाइड्रोजन 0.506%। फिर है जिनोन और क्रिप्टोन, फिर है जिनोन और क्रिप्टोन। ये वायुमंडल की टॉप 10 गैसें हैं। तो कुल भार का 99% भार जो है वो गैसों में भी दो गैसों का, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, और क्रम ये है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन और जिनोन और क्रिप्टोन। कुल 10 गैसों से वायुमंडल मिलकर बना है भाई। अब गैसों के बारे में कुछ और बातें भी ध्यान रखेंगे। वायुमंडल का गैसों का 50% भाग 5 से 6 किलोमीटर ऊंचाई में मिलता है, 5 से 6 किलोमीटर ऊंचाई में मिलता है। अब इनमें एक और बात, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन, ये चार गैसें भारी गैसें हैं। ये चार गैसें कौन सी गैसें हैं, भारी गैसें हैं, इनका ध्यान रखेंगे। जबकि बाकी जो छह गैसें हैं वो कौन सी गैसें हैं, आर्गन,
नियोन, हीलियम, हाइड्रोजन, चिनोन और क्रिप्टोन, ये सभी गैसें कौन सी गैसें हैं? हल्की गैसें हैं भी। ये सभी गैसें कौन सी गैसें हैं? हल्की गैसें हैं। अब वो एक और बात, नाइट्रोजन जो है वो 100 किलोमीटर और ऑक्सीजन 120 किलोमीटर के बाद इसकी मात्रा वायुमंडल में कितनी हो जाती है? शून्य हो जाती है। यानी ये गैसें 100 और 120 किलोमीटर ऊंचाई तक ही पाई जाती हैं। ध्यान रखेंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसें इतने किलोमीटर ऊंचाई पर ही मिलती हैं, जबकि हाइड्रोजन 125 किलोमीटर के बाद शून्य हो जाती है। जबकि हाइड्रोजन 125 किलोमीटर के बाद शून्य हो जाती है। चलिए, ये पहला बिंदु था गैसों का। हम शून्य की मात्रा ध्यान रखेंगे, कुल गैसें में हल्की कौन सी है, भारी कौन सी है, 50% भाग 5 से 6 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। मेन डाटा। वायुमंडल में दूसरी चीज है जल वाष्प, यानी वाटर वेपर, और जल वाष्प को वायुमंडल का प्राकृतिक कंबल कहते हैं। वायुमंडल का प्राकृतिक कंबल कहते हैं, यानी नेचुरल ब्लैंकेट है। वायुमंडल को अत्यधिक गर्म और अत्यधिक ठंडा होने से जल वाष्प बचाता है। अब हमारी पृथ्वी पर 3 प्रकार के डाटा ध्यान रखने हैं। हमारी पृथ्वी पर औसत जल वाष्प 2% है, दूसरा सर्वाधिक जल वाष्प या आर्द्रता की मात्रा 4% है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, जबकि वायुमंडल में सबसे कम जल वाष्प या सबसे कम आर्द्रता 1% रहती है, वो भी मरुस्थलों, उपोष्ण मरुस्थलों व शुष्क प्रदेशों में, शुष्क व शीत प्रदेशों में। ध्यान रखेंगे शीत प्रदेशों में जल वाष्प की मात्रा कम होती है, बर्फीले क्षेत्रों में जल वाष्प सदैव कम पाई जाती है। तो औसत जल वाष्प 2%, जल वाष्प को पृथ्वी का प्राकृतिक कंबल कहा जाता है। अब हमारे वायुमंडल में जितनी भी जल वाष्प पाई जाती है उसका 90% भाग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है। अब मैं कुछ बातें कर रहा हूं, वायुमंडल के कुल आयतन का 98% भाग 29, 99% भाग 33 वायुमंडल में नाइट्रोजन 100 किलोमीटर पे, ऑक्सीजन 120 किलोमीटर पे और हाइड्रोजन 125 किलोमीटर के बाद शून्य हो जाती है। वायुमंडल के में जल वाष्प का 90% भाग 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलता है। वायुमंडल के कुल भार में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 99% भाग है। और अंतिम बात, वायुमंडल के कुल 50% भाग का बाकी 50% भाग जो है वो 5 से 6 किलोमीटर के अंदर ही मिलता है। ये डाटा लाइन वाइज याद होने चाहिए बिल्कुल क्रम से। अब दो चीजें, आप पृथ्वी पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जल वाष्प की मात्रा क्या होगी? कम होती जाएगी। अभी हमने बात की भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर क्या होती है सर्वाधिक कितनी, 4%, शीत प्रदेशों में क्या होती है, 1%। दूसरी बात, धरती से ऊंचाई पर भी जाने पर, हाइट पर जाने पर भी जल वाष्प की मात्रा क्या होती है, कम होती जाती है। तो दोनों में जल वाष्प की मात्रा क्या होगी, कम होगी। हमारे वायुमंडल का अंतिम बिंदु है धूल कण, संगठन में अंतिम बिंदु धूल कण, और धूल कण में वही बात, धूल कण हमेशा आर्द्रता ग्राही नाभिक होते हैं। आप वायुमंडल में जितनी भी ओस या घटनाएं देखेंगे वो धूल कणों के सारे चिपकती हैं, तो धूल कण हमेशा आर्द्रता ग्राही नाभिक होते हैं। आर्द्रता ग्राही क्या होते हैं, नाभिक होते हैं।
अगर आप और ये प्रकीर्णन में योगदान देते हैं, किसमें प्रकीर्णन में योगदान देते हैं, और इसमें भी मेन बात ये बात कि आपको सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त व सूर्योदय के समय आकाश का रंग लाल दिखाई देना और आकाश का रंग नीला दिखाई देना धूल कणों के प्रकीर्णन का परिणाम है, धूल कणों के प्रकीर्णन का परिणाम है। तो वायुमंडल तीन चीजों से मिलकर बना है, सबसे पहले गैसें, जलवाष्प और धूल कण, और क्या वायुमंडल की प्रमुख बातें हैं। ये टॉपिक था वायुमंडल का संगठन, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अगली कक्षा में हम वायुमंडल की स्ट्रक्चर यानी उसकी संरचना पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।